वेलकम टू माई चैनल अगेन। मैं हूँ गनिका और यहाँ एक और यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इट मीन्स यू कैन गेट एडमिशन इन गुजरात यूनिवर्सिटी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट यू हैव टू गो ऑन गूगल, देन सर्च गुजरात यूनिवर्सिटी PhD नोटिफिकेशन। एक विंडो ये ओपन होगी, ठीक है। इसमें ये MPhil और PhD एडमिशन 2019, इसके लिए चार यहाँ पे लिंक दी हुई हैं। यहाँ वैकेंट सीट्स हैं, ये MPhil की सीट्स हैं, और यहाँ इंस्ट्रक्शन है, ये गुजराती में है और ये इंग्लिश में थोड़े से इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैकेंट सीट्स इसमें यहाँ किस किस सब्जेक्ट में हैं और कितनी हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये आर्ट्स फैकल्टी के सब्जेक्ट्स हैं, गुजराती, हिंदी। हिंदी में बहुत सारी सीट्स हैं, 42 सीट्स लगभग यहाँ पे हैं, शायद सबसे ज़्यादा हिंदी में ही हैं, ठीक है। फिर है यहाँ पे इंग्लिश, संस्कृत, प्राकृत, सोशियोलॉजी, लेबर वेलफेयर, डायस्पोरा, फिज़िकल एजुकेशन, फिलोसफी, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस, पॉलिटिकल साइंस। इस तरह कॉमर्स में, एजुकेशन में, साइंस में, लॉ में, लॉ में कुल 11 सीट्स हैं। तो यहाँ काफ़ी सारी सीट्स निकली हुई हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इनकी एलिजिबिलिटी को आप पूरा करते हैं तो आप इन सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मेडिकल के भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इनमें भी काफ़ी सारी सीट्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जनरल मेडिसिन में 23 सीट्स अवेलेबल हैं और बाकी में इतनी नहीं है। जैसे माइक्रोबायोलॉजी में 29 सीट्स हैं, फार्माकोलॉजी में 21 सीट्स हैं, फिजियोलॉजी में 38 सीट्स हैं, आर्ट्स में यहाँ पे हिस्ट्री है और उसमें लगभग 8 सीट यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ऊपर जितने भी विषय दिए गए हैं इनमें ये यूनिवर्सिटी वाले कमी भी कर सकते हैं, इन्हें बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसका नोटिफिकेशन क्या है। ये हमने खोल लिया। यहाँ पे 3 डेट्स हैं, आप देख सकते हैं, 4 जुलाई से 13 जुलाई के बीच यूनिवर्सिटी से आप फॉर्म ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन भरना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते तो 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। 5 जुलाई से 16 जुलाई के बीच आपको अपना ये जो ऑनलाइन फॉर्म आप सबमिट करेंगे उसकी एक हार्ड कॉपी लेके यहाँ पूरा उसे फिल करके ऑनलाइन आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा। तो देखिए, इन्होंने यहाँ साफ लिखा हुआ है कि टेक प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फील्ड रजिस्ट्रेशन, यानी आपने पहले अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल कर दिया, उसके बाद उसका प्रिंट निकाल दीजिए। देन इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ लगा दीजिए, और जो भी रेस्पेक्टिव या कंसर्न यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, यानी आप हिस्ट्री से कर रहे हैं, म्यूजिक से कर रहे हैं या मेडिकल से, हाँ मतलब जो भी कंसर्न सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, आपको वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सेंड करने हैं। और इसमें एक और स्टार मार्क के साथ ये दिया है कि PG सेक्शन कुछ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट के साथ जो है, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट इन विच दे आर इंटरेस्ट टू टेक एडमिशन ऑन बिफोर लास्ट डेट एंड टाइम, तो उन्हें उन सभी को जो कंसर्न यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है वहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट करना है। आपको ये जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा ये अपने सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपका मार्कशीट है, चाहे आपका सर्टिफिकेट है, या जो भी आप अपने एज प्रूफ में लगाना चाहते हैं, तो वो सारे इसके साथ आपको लगा के और फिर भेजने हैं। जो कुछ होम साइंस और मेडिकल फैकल्टी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें PG सेक्शन में अपना फॉर्म भेजना है, गुजरात यूनिवर्सिटी के मेन ऑफिस में। यहाँ देखिए दोस्तों, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है आपको क्या क्या अपने साथ लगाना है। जैसे बैचलर डिग्री की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, मास्टर डिग्री की जिसमें भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट है आपका तो उसमें जैसे SC ST EWS कोटे से अगर भी
नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो आपको लगाना है, ठीक है। फिज़िकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब फिज़िकल अगर कोई भी दिव्यांग भाई बहन है तो उन्हें लगाना ज़रूरी है। और जब आप एडमिशन के लिए यहाँ पे जाएंगे तो आपको अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे साफ दिया हुआ है गुजरात यूनिवर्सिटी फॉर कैंडिडेट्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटी, जैसे कि हम अगर यूपी वाले, बिहार, मतलब कहीं से भी अगर अदर स्टेट का स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेने जाता है तो उसे साथ में प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ले जाना ज़रूरी होगा। टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग आपको कोई ऐसी हेल्प एडमिशन के लिए नहीं करेंगे, कोई क्वेरी है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेट्स इन्होंने दी हुई हैं 4 से 7, 13 के बीच आप यूनिवर्सिटी से फॉर्म ले सकते हैं, 5 से 15 के बीच ऑनलाइन भर सकते हैं। और जो प्रिंटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं डिपार्टमेंट में, वो 5 जुलाई से 16 जुलाई के बीच आपको कर देने हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका डिस्प्ले होगा, मतलब कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और या फिर जो भी एग्जम्प्ट कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ एग्जम्पशन के लिए कोई शर्त नहीं दी है कि अगर आपका नेट जेआरएफ है तो आप इसके लिए एग्जम्प्ट हैं, ये खुद उसमें से सेलेक्ट करेंगे कौन सा स्टूडेंट्स एग्जम्प्ट हैं, तो वो 18 तारीख को 18 जुलाई को यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी उसमें क्वेरी है या कोई भी उसमें आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप 19 जुलाई यहाँ पे डेट दी हुई है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर दोबारा से यहाँ 20 जुलाई को फाइनल लिस्ट आ जाएगी एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। फिर 25 जुलाई के दिन आपका एडमिट कार्ड आ सकता है, यानी टेंटेटिव है, अभी फाइनल नहीं है। और एंट्रेंस टेस्ट है एमफिल का 27 जुलाई 11 से 1 बजे के बीच, और एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी का है 27 जुलाई को 3 से 5 बजे के बीच। इसके अलावा इसमें एक गुजराती में एक और नोटिफिकेशन है, तो हो सकता है आपको गुजराती समझ में ना आए, पर मुझे गुजराती पढ़नी आती है इसलिए मैं आपको ये, मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए ऊपर ये जो लिखा हुआ है ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो उस इंग्लिश वाले नोटिफिकेशन में है सेम वही है, इसमें जो भी चीज़ अलग है मैं वो आपको बता देती हूँ। जैसे कि 20/7/2019 यानी 20 जुलाई 2019 से फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एमफिल और पीएचडी के लिए जो आपका टेस्ट होने वाला है रिटन टेस्ट, उसका ये दिया हुआ है कि आपके 100 प्रश्न होंगे दोनों के लिए, 50-50 नंबर के दो पेपर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है आपका सामान्य अभ्यास और सेकंड है आपका कंसर्न सब्जेक्ट, दोनों के 50-50 मार्क्स का पेपर है। जो आपका फर्स्ट है 50 नंबर का सामान्य अभ्यास, वो या तो इंग्लिश में होगा या गुजराती में होगा। जो आपका सेकंड पेपर होगा ना, वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट की जो लैंग्वेज है वो उसी लैंग्वेज में होगा, यानी अगर आप किसी और लैंग्वेज से कर रहे हैं तो उस लैंग्वेज में होगा, या फिर हिंदी में होगा, या जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड लैंग्वेज होगी, ठीक है। फिर प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रहस्य नहीं, यानी प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ लिखा है सामान्य अभ्यास न परीक्षा न प्रश्नों माध्यम गुजराती तथा अंग्रेजी रहस्य, यानी ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और 27 जुलाई 2019 ने रोज सवारे 11 से 1 ने एमफिल प्रवेश परीक्षा तथा बपूरे 3 से 5 पीएचडी प्रवेश परीक्षा ये आपकी होगी, यानी एमफिल की होगी 11 से 1 बजे के बीच, और दोपहर को 3 से 5 बजे के बीच आपकी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा है। और यहाँ पे दिया है कि पीएचडी का जो फर्स्ट सत्र होगा, यानी फर्स्ट उसका सेमेस्टर है जो भी आप मान सकते हैं, 31 अगस्त तक, और जो सेकंड इसका सत्र होगा उसकी 31/1/2020 तक, इसकी सारी हमें इन्हें कार्यवाही पूरी करनी है। और अन्य जो यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा पास करके यहाँ पे आएंगे उन्हें प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था गुजरात यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन, अगर आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो और ये आपके काम आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।